हेलो, आगरा के यदमानपुर विधानसभा सीतनगर मंडल से श्याम सुंदर अग्रवाल बोल रहा हूं। सर्वप्रथम आपके चरणों में नमन करूंगा। मेरा प्रश्न है कि आज काफी विपक्षी दल एक होकर के लड़ने के लिए तैयार है एवं हमारे ऊपर हमला बोलने के लिए तैयार है, ये मेरा राजनीतिक प्रश्न है। दूसरा मेरा आगरा के विकास के लिए, जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ वो पिछले 5 वर्षों में काफी अच्छा विकास हुआ है, और एक जो मूलभूत आगरा की समस्या है आगरा के लिए बैराज, उसमें हर प्रयास चला है लेकिन जल्दी हो। ये श्याम अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमारे पार्लियामेंट के मेंबर कथिरिया जी बहुत सक्रिय हैं और सरकार भी हर छोटी समस्या जो सालों से पेंडिंग पड़ी है उसका समाधान के लिए बहुत कुछ कर रही है। और आपने बताया महागठबंधन का, बैठिए श्याम जी, बैठिए आराम से, बैठिए श्याम अग्रवाल जी, आप बैठिए आराम से। देखिए, आप जिन दलों की बात कर रहे हैं वे सारे दल दरअसल जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। इनके नेता पहले तो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है सत्ता के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कर्नाटक में यही हुआ, पहले लोगों की भावनाएं भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ जनता को भ्रमित किया, जब सरकार बनाने की बारी आई तो उन्होंने हाथ मिलाने में भी देरी नहीं की। उत्तर प्रदेश में यही प्रयास चल रहा है, मध्य प्रदेश में यही कोशिश दिख रही है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी समाज को ऐसे दलों के चरित्र, उनके नेताओं के चरित्र, उनका पूरा इतिहास बस याद कराने का काम कीजिए। आपको ये तो बताना ही है कि देश के विकास के लिए किस तरह भाजपा सरकार मेहनत कर रही है, साथ ही लोगों को वोट की ताकत और उसकी अहमियत भी बतानी होगी। पिछले दिनों गठबंधन की एक नेता का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने यहां तक कहा कि केंद्र में एक मजबूत नहीं मजबूर सरकार की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये मजबूर सरकार की क्यों अपेक्षा रखते हैं? क्या देश का भला चाहने वाला कोई भी मजबूत सरकार चाहेगा कि मजबूर सरकार चाहेगा? जो देश का भला चाहता है उसे मजबूत सरकार चाहिए, जो दल का भला चाहता है उसको मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार होगी तो ये उसे अपना मन चाहा करवा पाएंगे, लूटने में सुविधा हो जाएगी, नाक दबाएंगे सरकार का, सरकार गिर जाएगी डरा देंगे, अपना माल निकालेंगे। मजबूत सरकार होती है तो देश का भला होता है, मजबूत सरकार होती है तो सिर्फ गठबंधन में शामिल दल और उनके नेता का भला होता है, मजबूत सरकार का वही चरित्र होता है। इसलिए मजबूत सरकार की तरफ हमको जाना है और इसलिए हमें जनता के बीच में जाकर के इस बात को विश्वास से कहना होगा। और 30 साल तक भारत ने ये मजबूत सरकारें देखी है, कितना देश का नुकसान हुआ, हम कितने पीछे चले गए थे। अब पहली बार मौका आया है कि हम निर्णय कर पा रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं, गति बदल रहे हैं और सामान्य मानवीय के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि ये गठबंधन की चिंता छोड़ दीजिए, ये मजबूरी से इकट्ठे आए लोग हैं, जो जमानत पर हैं वो लोग अपना बचने का रास्ता खोज रहे हैं, जो डूब रहे हैं वो टिकने का सहारा ढूंढ रहे हैं। ये कोई प्रेम के कारण, देश प्रेम के कारण, देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ये इकट्ठे नहीं हुए हैं जी, इनका मकसद यही है, मोदी हटाओ और कुछ नहीं।